जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों रात के 2 बजे हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऊष्मागतिकी का एक टॉपिक जिसका नाम है आंतरिक ऊर्जा या नैज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में इंटरनल एनर्जी भी कहा जाता है। प्रत्येक निकाय या पदार्थ अपने अंदर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा संचित रखता है जिसे आंतरिक या नैज ऊर्जा कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, या फिर कोई इनमें से आपका बनाया हुआ निकाय हो, हर एक निकाय, हर एक पदार्थ के अंदर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा विद्यमान रहती है। ये जो ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान है पहले से ही, ये कहलाती है आंतरिक या नैज ऊर्जा। इसको हम लोग एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उपवास या व्रत या रोजा रखते होंगे, तो ये बताइए कि जब आपका उपवास या रोजा होता है तो आप दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, तो लेकिन काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये है कि भाई आपने दिन भर कुछ नहीं खाया लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो वो काम करने के लिए ऊर्जा या एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वो जो ऊर्जा आपके अंदर काम करने के लिए आ रही है वह आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंदर संचित है, इकट्ठा हो रही है। वो ऊर्जा जो पहले से ही इकट्ठा ऊर्जा है वो आप दिन भर काम करने के लिए प्रयोग करते हैं, भले ही आपने कुछ खाया हो या ना खाया हो। तो ऐसी ऊर्जा जो किसी पदार्थ के अंदर पहले से ही संचित या विद्यमान रहती है वह कहलाती है उस पदार्थ या निकाय की आंतरिक या नैज ऊर्जा। क्या यह आपको स्पष्ट है? इसे कैपिटल ई या यू से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों कुछ बुक में ई दिया जाता है, कुछ किताब के अंदर ये आपको यू मिलेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ई लिखा हो कैपिटल या फिर कैपिटल यू लिखा हो, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा ही होता है। केवल गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को छोड़कर आंतरिक ऊर्जा सभी संभव ऊर्जाओं का योग है, जैसे अणुओं की कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, संचलन ऊर्जा, बंध ऊर्जा आदि। बच्चों ध्यान रखिएगा, आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह किसी पदार्थ की संचित ऊर्जा होती है, और किसी भी पदार्थ के अंदर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं, संचित रहती हैं। ये जो अनेक प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जब इनको हम लोग एक साथ सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं तो ये सारी ऊर्जाओं को एक साथ बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा। लेकिन यहां पर यह भी बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो हमारी संचित आंतरिक ऊर्जा है जो कि अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है, इसमें एक ऊर्जा को मान्यता नहीं देते हैं, उसको नहीं माना जाता है, और वह ऊर्जा कहलाती है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, गुरुत्व के कारण लगने वाली ऊर्जा। जी हाँ, जो धरती की ओर लगती है। तो ये ऊर्जा यहां पर आंतरिक ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी संभावित ऊर्जाएं हो सकती हैं? तो आप जानते हैं कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, निकाय होते हैं, वो अणुओं से मिलके बने होते हैं, है ना जी? और जो अणु होते हैं वो अनेक प्रकार की गति करते रहते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये एक अणु है, तो अगर ये ठोस अवस्था है तो जहां पर ये होगा ये अपनी माध्य अवस्था के चारों तरफ कंपन गति करेगा। तो ये जो ऊर्जा है क्या कहलाएगी? आंतरिक ऊर्जा। ये हमारी ऊर्जा कहलाएगी कंपन ऊर्जा। बच्चों हो सकता है कि ये अपनी जहां पे मूल अवस्था है वहां पर ये चारों तरफ अपनी, जी हाँ, अपनी मूल अवस्था के चारों तरफ घूमता रहे, तो ये ऊर्जा कौन सी होगी? घूर्णन ऊर्जा। क्लियर है? अब मान लीजिए ये अणु यहां से यहां जाता है और फिर वापस आता है, तो ये ऊर्जा कौन सी होगी? सर ये होगी संचलन ऊर्जा। क्लियर है? और अगर हम यहाँ पे इस अणु के परमाणुओं को अलग अलग करते हैं तो उन परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। तो ऐसी ही अनेक प्रकार की ऊर्जाएं जो होती हैं वो किसी पदार्थ के अंदर संचित रहती हैं, और इनको सम्मिलित रूप से ही कहा जाता है आंतरिक ऊर्जा। अब देखिए यहां पर एक सूत्र दिया हुआ है, यहां पर कैपिटल ई या कैपिटल यू जो होता है वह आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो कैपिटल ई या कैपिटल यू यानी कि आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ई कंपन यानी कि कंपन ऊर्जा प्लस क्या होगा? ई घूर्णन यानी घूर्णन ऊर्जा प्लस ई संचलन, मतलब क्या होगा? संचलन ऊर्जा प्लस ई बंद, मतलब क्या होगा? बंद एनर्जी या बंद ऊर्जा प्लस डॉट डॉट किया हुआ है, क्योंकि ये कई प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। तो आप देख पा रहे हैं कैपिटल ई या कैपिटल यू जो है वो अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का योग है, और सारी ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ के बोला जाता है, बोलो क्या? आंतरिक ऊर्जा या नैज ऊर्जा। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं है। बच्चों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भाई आंतरिक ऊर्जा का क्या हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी पदार्थ के अंदर आप आंतरिक ऊर्जा का एकदम से सटीक मान निकालना चाहें तो वो सटीक या निरपेक्ष मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह है जो आंतरिक ऊर्जा है अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, और ये अनेक प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं प्रत्येक समय, अगर मान लीजिए इनमें से एक या दो प्रकार की ऊर्जाओं का मान ज्ञात नहीं हो पाता है तो क्या यह निरपेक्ष मान होगा, क्या यह सटीक मान होगा? उत्तर है नहीं। वह तभी संभव है जब सारी ऊर्जाओं के मान यथार्थता पूर्वक यानी कि एग्जैक्टली बिल्कुल सही सही आपको ज्ञात हो जाए, जो कि संभव नहीं होता है। कुछ ऊर्जाओं के मान ज्ञात नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष या एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना संभव नहीं होता है। ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा अंतर डेल्टा ई या डेल्टा यू का महत्व है और यह मापनीय राशि है। बच्चों ऊष्मागतिकी के अंदर आंतरिक ऊर्जा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अनेक प्रकार की जो कैलकुलेशन है, चाहे वो आंकिक प्रश्न हो, वहां पे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना वहां पे ऊष्मागतिकी में आंकिक गणना करना संभव नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण है ऊष्मागतिकी के संदर्भ में। और हाँ, डेल्टा ई और डेल्टा यू का मान मापा जाता है क्योंकि यह मापनीय राशि है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंकिक सवाल करना है, न्यूमेरिकल करना है, तो बिना डेल्टा ई और डेल्टा यू की वैल्यू के बिना होगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान ज्ञात होना जरूरी है। और नीचे आप देख रहे हैं, ये आ गया है हमारा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का सूत्र, डेल्टा ई। बच्चों डेल्टा माने होता है परिवर्तन, है ना? तो डेल्टा ई और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा? ई अंतिम माइनस ई प्रारंभिक, यानी कि अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। क्या ये आपको स्पष्ट है? चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंतरिक ऊर्जा किसी भी निकाय की अवस्था फलन होती है तथा यह इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऊष्मागतिकी के अंदर जो हमारे निकाय होते हैं वे अवस्था परिवर्तन करते हैं, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाते हैं, तभी तो बोलते हैं कार्य हुआ कि नहीं हुआ, है ना बच्चों? तो यहाँ पे जो हमारे निकाय होंगे उसमें अवस्था परिवर्तन जो होती है वह आंतरिक ऊर्जा पे निर्भर करती है। अगर आंतरिक ऊर्जा के मान में परिवर्तन हो गया ई प्रारंभिक से ई अंतिम, यानी कि जो प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा थी, यानी कि इस निकाय के प्रारंभ में जो प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा थी, और जो हमारा निकाय जब हमने उस आंतरिक ऊर्जा किसी भी निकाय की अवस्था बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी आपने निकाय लिया है ऊष्मागतिकी में अध्ययन करने के लिए, वहां पर जो आपका निकाय प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? सर अवस्था परिवर्तन हुआ है, कार्य हुआ है। तो यहाँ पे अगर निकाय की आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है, ई प्रारंभिक का मान ई अंतिम से विभिन्न होता है, अलग होता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा के मान में परिवर्तन हो रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि निकाय की अवस्था परिवर्तन हो गई है, और ये कहलाता है हमारा अवस्था फलन, यानी कि ऐसा पद, ऐसी कोई विशेषता जो हमारी निकाय की अवस्था को बदल दे, है ना? तो वो कहलाती है बच्चों अवस्था फलन। तो याद रखिएगा, आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होती है, और कभी भी आंतरिक ऊर्जा ऊष्मागतिकी में इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह किस प्रकार प्राप्त हुई है, अर्थात वह एक पद में हुई है, दो पद में हुई है, तीन पद में हुई है, चार पद में हुई है, चाहे वो एक पद में हो या अनेक पद में हो, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होना अनिवार्य है किसी भी निकाय की अवस्था परिवर्तन के लिए। क्लियर है आपको? स्पष्ट है? चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंतरिक ऊर्जा के बारे में। यह विस्तारात्मक गुण है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऊष्मागतिकी में विस्तारात्मक गुण वो गुण होते हैं जिनका मान हमेशा निर्भर करता है पदार्थ की मात्रा पे। अगर निकाय में पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो हमारी आंतरिक ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। अगर पदार्थ की मात्रा कम है तो बताओ क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा का मान भी कम होगा।
जैसे निकाय में मान लो आपने 10 ग्राम पानी लिया, ठीक है, और आप यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन देख रहे हैं, सही बात है, लेकिन दूसरे बीकर में अगर आप 100 ग्राम ले लेते हैं और वहां पे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, समान परिस्थिति लगाते हैं ना बच्चों, सेम एक्सपेरिमेंट रहता है, समान प्रयोग होता है, तो समान परिस्थिति में आंतरिक ऊर्जा का मान दोनों निकाय के लिए अलग अलग आएगा, जबकि दोनों निकाय जल से ही बने हैं, एक ही प्रकार का पदार्थ लिया है, लेकिन पदार्थ की मात्रा अलग अलग है, एक में मात्रा कम है, एक में मात्रा ज्यादा है, तो कम वाले में आंतरिक ऊर्जा का मान कम होगा और ज्यादा वाले में आंतरिक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, तो ये गुण कहलाएगा बच्चों क्या, विस्तारात्मक, तो आंतरिक ऊर्जा विस्तारात्मक या एक्सटेंसिव गुण वाली होती है, इसका मात्रक जूल या कैलोरी है। बच्चों ध्यान रखिए, आंतरिक ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल या कैलोरी होता है, इसको जूल या कैलोरी से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा आप देखेंगे आंकिक गणना के अंदर। तो बच्चों आज हमने जाना आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कितने प्रकार की होती है, ऊष्मागतिकी में इसका क्या महत्व होता है, इसके सूत्र को हमने जाना आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के, और ये भी जाना कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह किस प्रकार ऊष्मागतिकी में आवश्यक है किसी भी निकाय के लिए, और हमने ये जाना कि ये किस प्रकार विस्तारात्मक होती है। उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा।